बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को आज मिली है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में आपको बता दूं कि कल से ही, जो पहले हमने खबर देखी थी कि जम्मू कश्मीर के पत्नीटॉप में जो है इनकाउंटर जो है जारी है, और उसके बाद रात को देर रात में आपको बता दूं कि असर में जो एक इनकाउंटर शुरू हुआ, और सुबह की खबर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें जो बताया गया कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया, और साथ में हमारे एक शहीद दीपक सिंह जो आर्मी में थे वो शहीद हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब पता चला कि वहां पर जो लोग हैं, लोगों ने खबर दी कि यहां पर कहीं ना कहीं आतंकी जो मूवमेंट्स है वो देखे गए, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन हमारी जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और उसमें इनकाउंटर जब शुरू हुआ तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक आतंकवादी और एक हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर दीपक सिंह जो है वो शहीद हुए हैं। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सुनने में आ रहा कि वो पाकिस्तान से तलक रखते थे। और बड़ी खबर ये भी है कि डोडा में 8 दिन के बाद एक बड़ा हमला और भी आज हुआ है, और बड़े हमले में मैं आपको बता दूं कि सुबह से जो खबर हम देख रहे थे कि आतंकवादी को मार गिराया गया है, लेकिन अभी जो इनपुट्स जो हमारे पास खबर जो है वो निकल कर आ रही है कि वहां पर 2 से 4 आतंकवादी के जो है, 2 से 4 आतंकवादी जो है उस जंगल में मौजूद थे, और उसमें एक आतंकवादी को उसी टाइम जो मार गिराया गया था, और 3 आतंकवादी जो है वो वहां से भागने में कामयाब हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो आतंकवादी भागे हुए थे तो उनके जो है वहां पर जो बैग है, 4 बैग और 2 राइफल भी वहां पर इस टाइम मिले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो इनकाउंटर है वो रुक रुक कर जो है वहां पर फायरिंग चल रही है, और हो सकता है और भी वहां पर आतंकवादी हो, ये हम दावे के साथ कह नहीं सकते, लेकिन जो इनकाउंटर है, जो फायरिंग है वो भी, वो अभी यहाँ पर जो है वो रुक रुक के चल रही है। और असर की मैं बात कर रहा हूँ, असर में बहुत बड़ी कामयाबी जो है हमारी इंडियन आर्मी हमारे देश को मिली है, और पाकिस्तान को जो है अच्छा एक सबक सिखाया गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों के 4 आतंकवादियों को जो है जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट असर में जो है मार गिराया गया है। और हाल ही में आपको पता है कि काफी सारी जगहों पे जो है इनकाउंटर हुए, डोडा में ये आतंकवादी कहां छुपे थे इसका अभी तक कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, इन आतंकवादियों को खाना दे रहे हैं, और रास्ता भी इन आतंकवादियों को दिखा रहे हैं। पहले आपने देखा कि एक 2-4 दिन पहले की धूमपुर के बिडू बसंतगढ़ जो है वहां पर भी सुनने में आया था कि सरधार जो है वहां पर भी आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं, सरधार और बनी की एरिया में जो है आतंकवादी छुपे हुए हैं, और उसके बाद 3-4 जगह पर लगातार इनकाउंटर जो है वो देखने को मिले, और आज बड़ी कामयाबी एक बार फिर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट डोडा की पुलिस और इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी एक कामयाबी मिली हुई है। इस पे जो हमारे राजनाथ सिंह है वो भी एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग आज उन्होंने बिठाई हुई है कि आतंकवादियों के खिलाफ कैसे जो है भारतीय सेना मुकाबला करे, तो देखते हैं क्या कुछ आगे जो फैसला है हमारे राजनाथ सिंह जी का, क्या फैसला निकल कर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए जय भारत न्यूज नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।